जिस तरह से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ओर से विचारों के आदान प्रदान के साथ बेहतर समन्वय के साथ कल गठबंधन की जो घोषणा की गई वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले दलों के खेमे में बेचैनी का कारक बना और वो लोग इतने बेचैन हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें। उनको जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उस राजनीति करने का आधार ही नहीं मिला, अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले लोग कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता या एनडीए के लोग बताएं कि पशुपति पारस जी में क्या कमी रहा जो उनको आपने दूध के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। नमस्कार, मैं नंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। देखिए सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सीट शेयरिंग को लेकर सवाल तमाम उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि सीट शेयरिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है, वो इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एजाज अहमद जुड़े हुए हैं। सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग इतनी देर से क्यों हो रही है। कल के तारीख में सीट शेयरिंग भी आप लोगों ने कर दिया, 26 सीटें आपने खुद की रखी, 9 सीटें कांग्रेस को दी, क्या कहिएगा सबसे पहले कि सीट शेयरिंग में इतनी देरी। देखिए, विपक्ष के लोग जो सीट शेयरिंग की बात करते हैं वो सत्ता और स्वार्थ वाले लोग हैं और एक अदद सीट के लिए समझौतावादी लोग हैं। और आपने देखा होगा जो गठबंधन की घोषणा की है उसके बाद कैसे समझौता किए, किस तरह से उन्होंने समझौता किया ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ समझौता नहीं हुआ है, हमारे यहाँ विचारों का आदान प्रदान हुआ है, हमारे यहाँ समन्वय और सम्मान का भाव दिखा है और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हम स्पष्ट रूप से जो संकल्प है, जो लोगों के बीच से सोच है, उस सोच के अनुसार हम काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की ओर से विचारों के आदान प्रदान के साथ बेहतर समन्वय के साथ कल गठबंधन की जो घोषणा की गई वो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले दलों के खेमे में बेचैनी का कारक बना और वो लोग इतने बेचैन हैं कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलें। उनको जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उस राजनीति करने का आधार ही नहीं मिला, अब उनको समझ ही में नहीं आ रहा कि हम क्या कर सकते हैं। और इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाले लोग कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता या एनडीए के लोग बताएं कि पशुपति पारस जी में क्या कमी रहा जो उनको आपने दूध के मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। कल तक आप चिराग को फेंके हुए थे, चिराग को स्वीकार किए, पारस जी को फेंक दिए। तो इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ही करती रही है या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते रहे, हमारे यहाँ ऐसी राजनीति नहीं हो रही। हमारे यहाँ बेहतर समन्वय, बेहतर संकल्प और बेहतर विचारों के साथ आगे बढ़ने का जो सोच है उस सोच के साथ हम मोदी बनाम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता के हितों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता है। विपक्ष के सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं कि राजद को 26 सीटें मिली तो कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटों में ही समेट कर रख दिया गया, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उनकी स्थिति ये हो गई कि तिनके को जोड़ करके कर रहे हैं यारी और वो 16-17 पर सिमट गए। कल तक कहते थे कि 40-40 हम लड़ेंगे, कहाँ गया, उनके पास तो उम्मीदवार तक नहीं है। और हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे प्रति जनता का विश्वास और जनता का समर्थन जन विश्वास रैली से दिखा और जो बिहार से हमने परिवर्तनकारी राजनीति को आगाज दिया है वो कहीं ना कहीं परवान चढ़ गया है। और आने वाला समय आप देखेंगे कि इंडिया के प्रति जो लोगों का विश्वास है, जो लोगों का समर्थन है, उसके कारण एनडीए और एनडीए के लोग और नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का अविश्वास है, जो लोगों ने कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया है कि हमको नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी की नीतियाँ पसंद नहीं है, वो लोग बेचैनी में हैं और बेचैनी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। आपने जनविश्वास रैली का जिक्र किया तो थोड़े दिन पीछे चलते हैं, जनविश्वास जो महारैली आप लोगों ने की थी उस पर सवाल उठे कि आपसे ज़्यादा तो लाल झंडे दिख रहे थे, सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहे थे लगातार कि सीट शेयरिंग इतनी देर से महागठबंधन क्यों कर रही है, क्या महागठबंधन टूट सकती है? और सीट शेयरिंग जब हो गई तब सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही क्यों मिली जबकि महागठबंधन में 26 सीटें राजद को मिली, तो क्या लोकसभा चुनाव नज़दीक है उस पर इतने सवाल अगर आपके पार्टी पर महागठबंधन पर उठ रहे हैं तो क्या दिक्कत पैदा कर सकता है?
देखिए उनको लाल झंडे इसलिए दिख रहे हैं ना कि उनको लग रहा है कि मोदी का जो रथ है वो रुक जाएगा, इसीलिए लाल लाल नज़र आ रहा है। हरा ने जो प्रगति और जो सकारात्मक राजनीति को दिशा दी है और जिस तरह से बिहार के लोगों का विश्वास जीता है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने 17 महीने में नौकरी और रोजगार परक राजनीति को नया आयाम दिया है और आरक्षण व्यवस्था को 75% बढ़ा करके जो हमने गरीबों शोषितों वंचितों पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों महादलितों और समाज के सभी वर्गों में जो संदेश दिया है, उस संदेश के कारण उनको लग रहा है कि अब हमारे साथ कोई समर्थन नहीं है, इसीलिए उनको लाल नज़र आ रहा है। लाल उनको प्रतीकात्मक रूप से इसलिए नज़र आ रहा है कि उनको पता है कि अब जो नरेंद्र मोदी का रथ है, जो नरेंद्र मोदी की सत्ता है, वो रुक जाएगी, अब आगे नहीं बढ़ने वाले, इसीलिए उनको लाले लाल नज़र आ रहा है। चलिए इस देख सकते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद प्रवक्ता एजाज अहमद जी, लगातार हम इनसे चर्चा पर बात करते हैं और सीट शेयरिंग जिस तरीके से कल की गई महागठबंधन के तरफ से राजद कार्यालय में, उस पर हमने इनसे बातचीत की कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहे थे कि इतनी देरी से महागठबंधन सीट शेयरिंग क्यों करती है, उस पर जो भी इनकी प्रतिक्रिया थी वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और विपक्ष एक और सवाल उठा रही थी कि क्या 9 सीटें ही कांग्रेस को क्यों दी गई, 26 सीटें राजद ने खुद के पास क्यों रखी, उसका भी जवाब बखूबी एजाज अहमद ने जो भी कुछ इन्होंने कहा विजुअल में देख सकते हैं। आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने रहो और देखते रहे। धन्यवाद।